सुषमा स्वराज का आखिरी ट्वीट हो रहा है वायरल। मृत्यु से चंद घंटे पहले अनुच्छेद 370 पर मियां मोदी से कही थी मन की बात। नमस्कार। पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज के निधन के बाद उनका आखिरी ट्वीट वायरल हो रहा है। सुषमा स्वराज का 67 साल की उम्र में 6 अगस्त की रात को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हुआ। दुनिया भर की हस्तियों ने दिग्गज पूर्व विदेश मंत्री के निधन पर दुख जताया है। आज दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुषमा स्वराज 67 साल की थी। वर्ष 2016 में उनका गुर्दा प्रतिरोपण हुआ था और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इस बार वह मोदी सरकार का हिस्सा नहीं थी। अपने निधन से कुछ घंटे पहले सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। ये ट्वीट सुषमा स्वराज ने 6 अगस्त को 7:23 PM पर किया था। इससे पहले सुषमा स्वराज ने 5 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह को आर्टिकल 370 पर भाषण के लिए बधाई दी थी। उनके इस अंतिम ट्वीट के शब्दों ने उनके चाहने वाले और प्रशंसकों को दुख के साथ झकझोक कर रख दिया है। सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तो उन्होंने अपने कई भाषणों में कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। पाकिस्तान को कश्मीर में संघर्ष विराम उल्लंघन के लिए उन्होंने कई बार फटकार लगाते हुए कहा था कि आप ये मत भूलिए कि कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा। उन्होंने लिखा था, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को उत्कृष्ट भाषण के लिए बहुत बहुत बधाई। सुषमा स्वराज बीजेपी की ऐसी हस्ती थी जिन्होंने न सिर्फ एक प्रखर वक्ता के रूप में अपनी छवि बनाई बल्कि उन्हें जन मंत्री कहा जाता था। इतना ही नहीं, वह जब विदेश मंत्री बनी तो उन्होंने आम आदमी को विदेश मंत्रालय से जोड़ दिया। वह सिर्फ एक ट्वीट पर विदेश में फंसे किसी भारतीय की मदद के लिए तुरंत सक्रिय हो जाती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।